उपसभापति महोदय, जिस जम्मू कश्मीर के हालात की चर्चा यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सांसद श्री सौगत राय जी ने की है, उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि सदन ही नहीं सारा देश इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि पाक स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेटर्स और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बराबर जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल वह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यह मानता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में ही वह दहशत पैदा नहीं करना चाहते अथवा केवल जम्मू और कश्मीर को ही डिस्टेबलाइज करने की वह कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह आतंकवादी पूरे भारत को ही डिस्टेबलाइज करने की उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। और मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं और हम सबको इस बात का नाज भी होना चाहिए उपसभापति महोदय कि आतंकवादियों को जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए उसी तरीके से उसी लहजे में हमारे सेना के और सुरक्षा के जवान उनको जवाब दे रहे हैं। विगत कुछ महीनों से एक नया ट्रेंड चला है और उपसभापति महोदय ट्रेंड यह चला है कि जब भी हमारे सेना के और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं उस समय गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ नौजवान वहां पर आ जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वह पत्थरबाजी करना वह प्रारंभ करते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे कश्मीर का नौजवान जो भी स्टोन पेल्टिंग करता है वह कुछ ऐसी फोर्सेज हैं और वह भी फोर्सेज पाक स्पॉन्सर्ड हैं जिनके द्वारा वह गुमराह किया गया है। मैं तो यह अपील करना चाहता हूं कश्मीर के नौजवानों से, कृपया पाकिस्तान के बहकावे में ना आए, उनके द्वारा बराबर भारत को डिस्टर्बलाइज करने की इस प्रकार की यह कोशिश की जा रही है। और मैं यह भी सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस भीड़ को इकट्ठा किया जाता है तो पाकिस्तान में कुछ एक ग्रुप है ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट एप्लीकेशंस का प्रयोग करके यह बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की यह कोशिश की जाती है, जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक इन सब सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि यह ग्रुप जो सोशल मीडिया को ऑपरेट करता है वह पाकिस्तान में ही स्थित है। और मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ उपसभापति महोदय, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद से जैसे निपटना चाहिए वैसे आतंकवाद से हमारे सेना के और सुरक्षा के जवान निपटेंगे, एक इंच भी उनके आगे इस समय हमारे सेना के सुरक्षा के जवान निपट रहे हैं और आगे भी निपटेंगे। और मैं यह बतलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसमें हमको कामयाबी हासिल होगी।